सबसे बात हम कूलॉम फ्लो और कूलॉम फ्लो इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों एक साइंटिस्ट होते थे, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्लेस ऑगस्टिन डी कूलॉम, डी कूलॉम, और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर कूलॉम फ्लो कहा गया है। जो ये कूलॉम वर्ड है ये इन्हीं साइंटिस्ट के नेम से आया है बच्चों। तो इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस को स्टडी किया, और इन्होंने देखा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस को हम डिस्टेंस को घटाएं या बढ़ाएं तो उनके इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हम उनका जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का वो हम कम या ज्यादा करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इन्होंने स्टडी किया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टोर्जन बैलेंस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इन्वेंट किया। तो टोर्जन बैलेंस क्या करता है बच्चों, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल फोर्सेस, ठीक है। तो ये स्मॉल फोर्सेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल फोर्सेस। तो ये फोर्सेस किस टाइप के हो सकते हैं, दिस फोर्सेस में भी मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्सेस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, स्मॉल फोर्सेस को भी इजिली मेजर कर सकता है। तो इसका जो श्रेय आता है टोर्जन बैलेंस को इन्वेंट करने का, वो भी चार्लेस ऑगस्टिन डी कूलॉम को जाता है। तो इस टोर्जन बैलेंस की हेल्प से इन्होंने चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को स्टडी किया, पॉइंट चार्जेस को स्टडी किया। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इनका जो रिसर्च एरिया था ये था कि इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल लिए, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, तो इन्होंने इस डिस्टेंस को चेंज करके देखा कि अगर हम डिस्टेंस को घटा दें या बढ़ा दें, इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है टोटल उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स वो घटेगा बढ़ेगा या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक तो इन्होंने ये स्टडी किया, दूसरा इन्होंने स्टडी किया अगर हम इन पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, इनके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये भी इन्होंने स्टडी किया। तो अब देखिए इन्होंने अपने रिसर्च के अंदर क्या पाया। तो देखिए टोर्जन बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो उन्होंने इसका यूज किया था। तो सिंपली इन्होंने एक चार्ज स्फीयर लिया जिसके ऊपर क्यू चार्ज था, फिर इन्होंने क्या किया, इस चार्ज स्फीयर को दूसरे अनचार्ज स्फीयर के कॉन्टेक्ट में लेकर आए, ठीक है। ये इसके ऊपर शुरू में कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है इसका, तो अनचार्ज हम इसलिए बोल रहे हैं इसको। तो जैसे ही हम इसको कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे तो देखिए अब क्या होगा, इसका चार्ज इसके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो अब इस स्फीयर के पास क्यू बाई टू चार्ज रह गया, हम मान रहे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस क्यू बाई टू चार्ज को अनदर स्फीयर के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे जो कि अनचार्ज है, तो इनमें कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके पास भी क्यू बाई फोर, इसके पास भी क्यू बाई फोर। तो इन्होंने इस टाइप से जो है मेटलिक स्फीयर को चार्ज किया, और टोर्जन बैलेंस की हेल्प से उनके इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में स्टडी किया। तो इन्होंने देखो क्या देखा, इन्होंने शुरू में दो सेम चार्ज लिए, फिक्स चार्ज लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था। तो इन्होंने दो स्फीयर ले लिए, दो चार्ज स्फेरिकल। तो इन्होंने क्या किया, शुरू में दो चार्ज पार्टिकल लिए, ठीक है, और इनकी शेप हम स्फेरिकल मान रहे हैं, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों इक्वल था। कैसे ले लिए इन्होंने, मैग्नीट्यूड में कैसे है, ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को बच्चों मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मास है 5 किलोग्राम है, ठीक है, मास 5 किलोग्राम है, तो जो 5 है इसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम क्या है, यूनिट है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन्होंने दो चार्ज पार्टिकल लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, इनके डिस्टेंस को चेंज करके देखा। एक बार मान लीजिए आर डिस्टेंस पर इन्होंने इनको रखा और क्या मेजर किया, फोर्स मेजर किया, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इनके डिस्टेंस को चेंज कर दिया, इनके डिस्टेंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डिस्टेंस हम आर वन ले लेते हैं। फिर उन्होंने फोर्स को मेजर किया, ठीक है। फिर उन्होंने फाइनली और डिस्टेंस को चेंज किया, ठीक है, दोनों पार्टिकल के, तो फिर फोर्स मेजर किया। तो इन्होंने क्या किया, डिस्टेंस को घटाया और बढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली क्या पाया कि जो ये फोर्स है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
डिस्टेंस के स्क्वायर के, और आर क्या है इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज आर। तो यहां पर इन्होंने पाया कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। तो एक तो इन्होंने स्टडी में ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया, दूसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम दूसरी बार इन्होंने क्या किया कि अब की बार तो हमने क्या लिया था डिस्टेंस को हम वेरी कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, अब हम चार्ज को वेरी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया चार्ज को वेरी किया, एक बार यहां पर मान लीजिए क्यू चार्ज है तो यहां पर क्यू वन चार्ज, अब ये डिस्टेंस फिक्स है, अब डिस्टेंस को चेंज नहीं किया उन्होंने, उन्होंने चेंज किया चार्ज के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। फिर उन्होंने क्या मेजर किया फोर्स मेजर किया, फिर दोबारा उन्होंने बच्चों चार्ज को क्या कर दिया वेरी कर दिया, चार्ज के मैग्नीट्यूड को वेरी कर दिया, डिस्टेंस को सेम रखा, ठीक है। तो यहां पर क्यों बना तो यहां पर हम ले लेते हैं क्यों टू, डिस्टेंस सेम है, फिर उन्होंने क्या किया फोर्स को मेजर किया, राइट। फिर अगेन डिस्टेंस सेम है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को वेरी कर दिया, क्यों थ्री चार्ज ले लिया, फोर्स को मेजर किया, ठीक है फोर्स को मेजर। तो हम मान लेते हैं शुरू में वन कूलम चार्ज, माइक्रो ले लेते हैं क्योंकि कूलम तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि चार्ज को इन्होंने वेरी किया मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को वेरी किया और फोर्स को उन्होंने नोट किया, फोर्स को स्टडी किया टॉर्जन बैलेंस की हेल्प से। तो इन्होंने क्या पाया इस ऑब्जर्वेशन से, इन्होंने ये बताया कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, प्रोडक्ट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू चार्जेस। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं क्योंकि ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड हमने वर्ड बोला है ना यहाँ पर, तो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में। तो इन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन ये ली, थर्ड इन्होंने क्या पाया अपने एक्सपेरिमेंट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि थर्ड इन्होंने ये पाया बच्चों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, मीन्स आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं किसी डिस्टेंस आर के ऊपर तो वो सेम आएगा, आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालिए तो भी सेम आएगा, दो प्रोटॉन के बीच में निकालिए तो भी सेम आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में निकालोगे तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम आएगा। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताता हूं कुछ। तो देखिए इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं कि तो एक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो स्फेरिकल है शेप में, ये प्रोटॉन है जो कि स्फेरिकल है शेप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, यहाँ पर हम प्रोटॉन को रख देते हैं, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस है बच्चों आर, डिस्टेंस क्या है आर, तो यहाँ पर हमने रख दिया इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर रख रहे हैं प्रोटॉन को, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इन्होंने क्या नोटिस किया कि मास यहाँ पर मैटर नहीं करता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इक्वल आएगा जो आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ले रहे हो। तो इन्होंने कहा कि आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ले लीजिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, चाहे तो प्रोटॉन के बीच में फोर्स ले लीजिए, ठीक है, तो भी सेम आएगा, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो मास के ऊपर ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंडिपेंडेंट था। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इन पार्टिकल के डिस्टेंस को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, मान लो हमने ज्यादा कर दिया, पार्टिकल पहले यहां पर था डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, तो अब क्या होगा डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर डिस्टेंस हम कम करते हैं इसके क्रॉस लेकर आए इलेक्ट्रॉन के तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस कम करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन थी। और बच्चों जो ये इन्होंने इक्वेशन दी है ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, मैथमेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, मीन्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपने डाटा को दिया और फॉर्मूला उन्होंने दिया कि किस फॉर्मूले से जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, इन्होंने जो स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मान लीजिए ये Q1 है चार्ज और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की दूरी है R, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मैग्नीट्यूड के और इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, राइट। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि चार्ज यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो, मीन्स आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यहाँ पर प्रोटॉन लिया है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर तो हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल जो है फोर्स को हम लिख सकते हैं बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो टोटल हमारे पास फॉर्मूला है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। तो जो ये के है ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, मीन्स आप चार्ज पार्टिकल को एयर के अंदर ले रहे हैं या वैक्यूम के अंदर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, के की वैल्यू उस टाइम 1 आएगी। अगर मान लीजिए इन चार्ज पार्टिकल को हम पानी के अंदर रख देते हैं और फिर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करते हैं तो उस टाइम पे के की वैल्यू अलग आएगी, 81 आती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है कि उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर की, हमने चार्ज पार्टिकल को एयर में लिया है, वाटर में लिया है, केरोसिन ऑयल में लिया है, माइका में लिया है, ग्लास में लिया है, कहां पर लिया है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो के की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कूलॉम्ब लॉ के बारे में कि कूलॉम्ब लॉ क्या होता है। तो अब देखिए जो के हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है इसके हम डायमेंशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स जो है बच्चों किसके इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लीजिए Q1 और Q2 चार्ज हमने लिया है और डिस्टेंस इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो एप्सिलॉन के हमने डायमेंशन निकालने हैं, तो डायमेंशन कैसे आएंगे इसके, देखिए इसको हम उस साइड ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एफ और इसको Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब देखिए हमें डायमेंशन लेने हैं, तो ये फोर क्या होता है कॉन्स्टेंट, पाई भी क्या है कॉन्स्टेंट, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, न्यूटन में, फोर्स के न्यूटन में होते हैं ना, ठीक है। अगर यूनिट ले रहे हैं तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे और यूनिट भी निकालेंगे। तो पहले यूनिट देखते हैं, तो ये न्यूटन में, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, और जो चार्ज है उसके ऐसा यूनिट क्या है, कूलॉम्ब। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब इंटू कूलॉम्ब, क्योंकि एक कूलॉम्ब इसका एक कूलॉम्ब, दो चार्ज है ना हमारे पास, तो यहां से न्यूटन और यहां से मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हमें इस यूनिट क्या मिल गई बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की यहां से यूनिट मिल गई कूलॉम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो इसके ऐसा यूनिट क्या है, तो यहां से आप ऐसा यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे, तो चार्ज होता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A × T। ए क्या है यहाँ पर, एम्पियर, ठीक है, और दो चार्जेस हैं तो हम यहाँ पर दो बार लिख देते हैं A × T, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फोर्स है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m1L1T-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L1T-2, और डिस्टेंस किस में लेते हैं, एल में, तो यहाँ पर आर स्क्वायर तो हमने लिख दिया एल स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इनवर्स, क्योंकि एम को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा ना, तो एम इनवर्स, एल कितना है यहाँ पर, 1 पावर ये है, 2 ये है, तो एल 3 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो एल -3, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए टाइम यहाँ पर बच्चों 2 पावर तो ये हो गई 1 एंड 1 2, ठीक है, और नीचे क्या है, पावर -2 नीचे है, तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो देखिए पॉजिटिव 2 तो ये और पॉजिटिव 2 यहाँ पर है, तो टी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, टी की पावर 4 हो जाएगी। अब हमारे पास एम्पियर बच गया, तो एम्पियर का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों, एम इनवर्स एल इनवर्स क्यूब, टी रेस टू पावर 4 एंड एम्पियर रेस टू पावर 2, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट थी।
तो अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं। अभी तक बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला, ये किसके बारे में बता रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मालूम है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है, इस फॉर्मूले से सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम अब करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस कूलम्ब्स लॉ को हमें किस में लिखना पड़ेगा बच्चों, इस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट है टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास बच्चों हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू, दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास। तो पॉइंट चार्जेस हमने बताया कि अगर लीनियर साइड जो है, मान लीजिए ये क्यू वन है ये क्यू टू है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो जो ये लीनियर साइज है, मीन्स इसकी रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, आर वन, और इसकी भी हम आर वन ले लेते हैं। तो जो ये रेडियस आर वन है बच्चों, अगर ये वेरी वेरी लेस देन हो जाए किससे, आर से, इस आर से, मीन्स ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हो एज कम्पेयर टू द लीनियर साइज, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल, मीन्स पॉइंट बोलेंगे हम इनको, पॉइंट चार्ज पार्टिकल बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये है। तो इस केस में हमें क्या लेना है, दो पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए क्यू वन एंड क्यू टू। तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज मान रहे और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज मान रहे, दोनों एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो यहां से देखिए बच्चों इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, और आर वन क्या है, पोजिशन वैक्टर है क्यू वन का, और आर टू पोजिशन वैक्टर है क्यू टू। ठीक है, तो पोजिशन वैक्टर हो गया। तो अब देखिए बच्चों इसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये भी, तो अब Q1 Q2 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, हमने पढ़ा था कि लाइक फोर्सेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अभी के लाइक चार्ज है तो फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, ये फोर्स लगा दिया, तो इसको हम लिखेंगे F21। ठीक है, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल टू ड्यू टू Q1। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा इस दिशा में। ठीक है, तो ये फोर्स लगा रहा है बच्चों इस दिशा में, मान लीजिए, तो इसको हम लिखेंगे F12। क्या लिखेंगे, F12, F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। तो अब देखिए कूलम्ब्स लॉ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ये फोर्स लगता है ना बच्चों चार्ज पार्टिकल के बीच में, हमेशा ही अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल, मीन्स यहां से अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब लाइन जॉइनिंग क्या है, देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये लाइन इनको कनेक्ट कर रही है। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा इसी लाइन के ऊपर लगाएगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको इस दिशा में फेंक देगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जो लाइन इन दोनों चार्ज पार्टिकल को कनेक्ट कर रही है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, उसे डायरेक्शन में लगेगा, या तो अवे होगा या तो वर्ड होगा, या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है फोर्स इनका, तो यहां से अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगा दिया बच्चों इसने। तो आप देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं इसके क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू। हम क्या ले लेते हैं, दो पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, लेट आर वन एंड आर टू आर द पोजिशन वैक्टर, आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये पोजिशन वेक्टर है क्यू वन और क्यू टू के, आर वन एंड आर टू क्या है बच्चों, पोजिशन वेक्टर है। लेट एफ टू वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू चार्ज क्यू वन। सिमिलरली एफ वन टू क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू। तो अब बच्चों देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, ये कितनी होगी,
तो देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वन टू, ठीक है आर वन टू, तो इस दिशा में क्या है आर वन टू, इसका मतलब इसको मान लीजिए ए ये बी है, तो अलोंग ए बी हम ले रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वन टू से, क्या है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। अगर बी से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे आर टू वन से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर टू वन से, ठीक है। तो आर वन टू क्या है यहां पर, आर वन टू इज वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट हुई है, फ्रॉम फ्रॉम चार्ज क्यू वन टू क्यू टू, ठीक है यहां से डिस्प्लेसमेंट हुई है, मीन्स ये रिपेल हुआ है ना। सिमिलरली आर टू वन क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, बट अब की बार क्या होगा क्यू टू तो क्यू वन की तरफ होगा, ठीक है अलोंग द फोर्स एफ वन टू, तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, आर वन टू और आर टू वन, देखिए डिस्टेंस तो सेम है, ए और बी क्या लोग डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आर वन टू और आर टू वन, आर वन टू और आर टू वन क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो हमने चेंज ही नहीं की, डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि आर वन टू का मैग्नीट्यूड इक्वल है आर टू वन के मैग्नीट्यूड के, इसको हम मान ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब यूनिट इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, आर वन टू यूनिट वेक्टर इसका लिखेंगे हम आर वन टू वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वन टू, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे इसको। सिमिलरली आर वन टू का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर टू वन के ऐप आर टू वन वेक्टर डिवाइड बाय आर टू वन का मैग्नीट्यूड, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब कूलम्स लॉ से, फ्रॉम है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, कूलम्स कूलम्स लॉ फोर्स किसके इक्वल होगा, हम शुरू में हम एफ टू वन निकाल देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू टू डू टू क्यू वन, तो ये फोर्स किसके इक्वल होगा बच्चों वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ना, तो ये हम लिख देते हैं ऐसे। और डिस्टेंस कितना है इनमें, आर वन टू कितना है बच्चों आर वन टू, तो आर वन टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन आर वन टू यूनिट वेक्टर से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से हम इसको सेकंड दे देते हैं नाम और इसको थर्ड, ठीक है नेमिंग कर दिया हमने। तो देखिए सेकंड एंड थर्ड से, तो यहाँ पर आर वन टू का जो गैप है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें लिख सकते हैं आर वन टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसको लिखिए यहाँ पे वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, इसको आप लिखेंगे आर वन टू स्क्वायर तो है, तो इसको हमने लिख दिया आर वन टू और ये मैग्नीट्यूड आर वन टू का। तो अब देखिए ये और ये सेम नहीं है, आर वन टू यहाँ पर आर वन टू, तो ये भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, तो पावर एड हो जाएगी, तो आप इसको लिखेंगे वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर वन टू क्यूब और आर वन टू, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, जो ये फोर्स एफ टू वन है इसकी डायरेक्शन क्या है आर वन टू के अलोंग, मीन्स अलोंग ए बी, डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी है ना, तो अलोंग ए बी इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो एफ टू वन हमने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन भी निकल गई और इसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे एफ वन टू भी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्जेस हैं, ठीक है, और सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। तो अब देखिए इसको हम इक्वेशन फोर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एफ टू वन, सिमिलरली हम एफ टू वन निकाल सकते हैं, मतलब एफ वन टू निकाल सकते हैं, जैसे एफ वन टू एफ टू वन निकाला है, तो इसको आप निकालेंगे वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और अब की बार डिस्टेंस क्या होगा आर टू वन का स्क्वायर, मीन्स हम ये एफ वन टू निकाल रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा आर टू वन होगा, तो ये डिस्टेंस ले रहा है कि जो डिस्टेंस आर वन टू और आर टू वन वो इक्वल है, ठीक है। तो आर टू वन का स्क्वायर लिख लिया हमने और रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर क्या है इसका आर टू वन, अगेन यूनिट वेक्टर को आप चेंज करेंगे क्यू वन क्यू टू आर टू वन का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे आर टू वन डिवाइड बाय आर टू वन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां से एफ वन टू की वैल्यू हो गई वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू डिवाइड बाय आर टू वन का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर,
तो अब यहाँ से देखिए ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो पावर ऐड हो जाएंगे इनके, तो 1/4πε प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय R1 2 1 इंटू क्यूब और R2 1 का वेक्टर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन इसके, तो F12 के डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, R21 के लॉन्ग है। तो देखिए ये R21 है, ये वाली ये R21 है और ये वाली R12 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखिए मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। F12 तो है R21 के अलोंग और F21 किसके अलोंग है, R12 के अलोंग है, ठीक है। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5। तो अब देखिए R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, क्यों, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो इनकी सेम है, तो यानी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। एक की तो डायरेक्शन इसके अलोंग है और एक की तो ए बी के अलोंग है, दूसरे की बी ए के अलोंग है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया R12 इज इक्वल टू R-ऑफ 12, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे वाली माइनस ऑफ R21 वाली यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, R12 की जब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास R21, ठीक है। तो R12 इसकी जगह भी हम रिप्लेस कर देते हैं R21 को, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है इस इक्वेशन से आप देखेंगे तो इसके इक्वल है, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन से आप लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ F12, ठीक है, माइनस ऑफ F12, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। तो आप यूज करके इक्वेशन 5 का, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ F12। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, R12 था उसको रिप्लेस कर दिया R21 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि R12 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R21 के इक्वल है, तो आपने जस्ट रिप्लेस किया है R12 को माइनस ऑफ R21 के साथ, ठीक है। तो रिप्लेस करते ही हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, F12 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस डेरिवेशन से कि जो F21 है वो किसके इक्वल है बच्चों, माइनस ऑफ F12 के, ठीक है। ये इस डेरिवेशन का रिजल्ट हो गया। मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, क्योंकि जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही तो Q2 Q1 पर लगाएगा, सेम लगाएगा, बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसलिए जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन यहाँ पर, कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अगर दोनों सेम होते ना यहाँ पर प्लस का साइन होता तो इसका मतलब ये होता कि इनकी डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी सेम कब हो गई, जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, बट यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए नेगेटिव साइन है। तो बच्चों कुछ कुछ जो है न्यूटन लॉ से नहीं मिलता, रिजेंबल करता है ना, तो कूलम्स लॉ जो है न्यूटन लॉ से, न्यूटन के जो थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या है, अपोजिट एंड इक्वल है। तो वही वाली बात है यहाँ पर, F21 = -F12। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्योंकि इसमें वेक्टर नोटेशन है, तो मैंने कोशिश की है कि इजी से इजी वे से इसको समझाऊं, शायद अब आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक, और मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे उनको सॉल्व करना है।